कबीर, मैंने एक बार के लिए तुम्हारी ये बात मानी कि जेल में वो लोग मुझे जानबूझकर तंग कर रहे थे, पर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो सब सूरज करवा रहे थे? मैंने खुद सूरज को धक्का देके मारा है, मेरे हाथों मरे हैं वो। तुम इस सच को कैसे झुठलाओगे कबीर? तुम सही कह रही हो केसर, सच को झुठलाया नहीं जा सकता है, पर झूठ को इस तरीके से पेश किया जा सकता है कि वो सच लगे। मतलब ये केसर कि सूरज को तुमने जानबूझकर धक्का दिया था कि उसने तुम्हें उकसाया था धक्का देने के लिए। ये नीच बातें बंद कीजिए सूरज, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ बाप रे, क्या करोगी तुम? मारोगी मुझे? और हमें तो ये लगता है केसर कि उसने तुम्हें पहाड़ी पे बुलाया इसलिए था ताकि वो अपनी साजिश को अंजाम दे सके। उसमें ऐसा क्या है जो बार बार जाकर तो उससे चिपक जाती है? मुझसे अच्छा परफ्यूम लगाता है क्या? या फिर मुझसे अच्छा आई थिंक यू नो व्हाट आई मीन। इनफ सूरज, इनफ। कि तो सच है कबीर, सूरज उस वक्त पूरे टाइम ऐसी बातें कर रहे थे जिससे मुझे और गुस्सा आ रहा था, और मैंने उन्हें कई बार मना किया पर वो रुक ही नहीं रहे थे। वो मुझे उकसा रहे थे कि मैं एक बार उन्हें मारकर हाथ लगाकर दिखाऊं। अब एक बात और केसर, वो जो लाश मिली थी उसके पूरे शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी, और ना ही कहीं चोट लगी थी, और ना ही कहीं से खून निकल रहा था, केवल उसका चेहरा कुचला हुआ था। तुम कहना क्या चाहते हो कबीर? केसर, जो हम कहना चाहते हैं, मतलब अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जैसा हमें लग रहा है हम वो बता सकते हैं। लाश का चेहरा कुचलकर उसके आसपास सूरज के सामानों को रखा जाए ताकि वो ये साबित कर सके कि सूरज की लाश, पर हमें ऐसा लग रहा है कि वो लाश सूरज की नहीं है और ना ही सूरज मरा है। सच में ऐसा हो सकता है? मतलब सूरज जिंदा है? उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया? बेमा, अगर ऐसा सच में है तो पर हम इसका पता कैसे लगाएंगे कबीर? हम डीएनए टेस्ट कराएंगे। तुम डीएनए टेस्ट कैसे करा सकते हो? अब नाम के आगे राजकौर लगाए, लेकिन तुम भूल गई हो, हैं तो हम कबीर यादव ही ना। हमने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से बात की है, उसने हमें कहा है कि तुम कैसे भी करके सूरज के जो भी कुछ मिले, बाल नाखून अगर मिलता है तो लेकर के आ जाओ, बस हमें एक बार राजगौर मेंशन जाना है और वो ढूंढना है। अगर हमें कुछ भी सैंपल मिल गया तो लाश के सैंपल के साथ में मिलान कर देगा और हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, पर तब तक तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा कि सर तुम खुद को सूरज की मौत के लिए दोषी समझना बंद कर दो, क्योंकि सूरज मरा नहीं है। केसर केसर, जब तक हम ये पूरी छानबीन नहीं कर लेते ना, तब तक तुम्हें हमारा साथ देना होगा। तुम दोगी ना हमारा साथ केसर? कबीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। कहो ना, कभी तो बोल दो जो हम सुनना चाहते हैं। क्या क्या कहा अभी तुमने? हमने कुछ, अरे हम, तुम कुछ बोल रही थी ना केसर? नहीं, वो तुम अचानक खुद से कुछ बड़बड़ाए इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, वो कुछ भी नहीं था केसर, कभी कभार हम खुद से ही बातें कर लेते हैं। कुछ नहीं, तुम बताओ तुम क्या बोल रही थी? वो एक्चुअली मैं मंदिर जाना चाहती थी, तुमने मासू के प्यार के बारे में जो कहा वो एकदम सही था, इसलिए मैं उनकी सलामती के लिए पूजा करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है केसर, तुम बाहर जाना चाहती हो। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक हम उस पोस्टमार्टम वाले भैया से बात करके आते हैं, ठीक है? कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों?
हमारी बिटिया, हमारी कमर अब उम्र हो गई है। अब हमारे घर में नौकर चाकर तो है नहीं, काम करते करते कमर टेढ़ी हो गई। अरे दादा, काकी आप एक काम कीजिए, वहाँ बैठिए। अरे बिटिया, अगर हम बैठ गए तो पूरा घर वहाँ बैठ जाएगा। अब हम काम नहीं करेंगे तो क्या तुम काम करोगी? अरे नहीं नहीं, तुम इतने बड़े घर की लड़की हो, अरे हम तो ऐसे ही कह दिए थे, कहीं तुमको यहाँ फ्री में रहने में अजीब ना लगे इसलिए। काकी आप प्लीज उठिए, अब ये झाड़ू मैं लगा दूंगी, आप वहाँ बैठिए। पक्का? हाँ पक्का, आप पहले उठिए, प्लीज उठिए, आराम से आराम से आइए, आराम से आप बैठिए, मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सर ये क्या कर रही हो तुम? अम्मा क्या है ये सब? कोई बात नहीं आरती, मैंने ही कहा था काकी से, एक्चुअली उनकी कमर में बहुत दर्द है। नहीं नहीं तुम रहने दो, ये मैं कर लूंगी। आरती कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ ना, घर का काम करने में कोई बुराई थोड़ी ना है, और तुम वैसे भी तैयार हो गई हो, कहीं जा रही हो शायद, तुम अच्छी लग रही हो, मैं कर दूंगी। नहीं केसर नहीं प्लीज, मुझे आरती तुम मेरे हाथ गंदे है, तुम मान जाओ ना प्लीज, तुम जाओ मैं कर रही हूँ, प्लीज जाओ, कोई बात नहीं मैं कर लूंगी, जाओ। लोग गरीब से अमीर बनते, और ये लड़की अमीर से गरीब बन गई। लगाओ चलो, सर यहाँ हमारी बात हो गई है। हाँ हम मंदिर ही जा रहे हैं, तुम पहुँच गई ना? अब हाँ मैं बस आ ही रही हूँ थोड़ी देर में, ये कचरा फेंक कर चेंज करके जाती हूँ। हमने मीटिंग में जो कैरेट का जिक्र किया था, अब यही है वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम कैरेट का पता लगाते हैं। And we are proud to say कि हमारी production unit एक state of the art facility है। आइए इसके बारे में आपको कुछ। आपने बताया नहीं कि आप केसर को कैसे जानते हैं? मैं केसर की वजह से तो इंडिया आया हूँ। क्या? I mean, मेरा एक फ्रेंड है, वो उनकी क्लाइंट रह चुकी है, उन्होंने मुझे केसर की फैक्ट्री की लैब ग्रोन डायमंड सिखाए। इससे पहले मैं अप्रोच करता, मुझे लंदन ऑफिस से पता चला कि राजगढ़ डायमंड ने खुद हमें कॉन्टेक्ट किया। उसी दिन मैंने अपना सारा काम रैप अप किया साउथ अफ्रीका से, एंड जस्ट केम हियर। राजगॉस की चमक देखने। एक्चुअली लैब ग्रोन डायमंड का एक अलग वर्टिकल है जिसे केसर चलाती, और ये नेचुरल डायमंड का बिजनेस मेरे भाई सूरज संभालते थे। अभी रिसेंटली एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में हमने भाई को खो दिया। हेलो, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। इट्स ओके। वैसे तो बिजनेस रन्स इन द फैमिली, लेकिन आप अपने बिजनेस को एक लेवल और ऊपर लेके जा रहे हो। मैंने सुना था कि आपकी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में 2 साल से ब्रेक इन करने की कोशिश कर रही थी। See, now you did it. एक भाई को अपनी बहन की सक्सेस से कितनी खुशी होती है ये मैं अच्छे से जानता हूँ।
Suraj must be very proud of you today. Thank you. Means a lot. वैसे केसर राजगौर ने ऑफिस वापस से रिजॉइन किया या शी इज स्टिल टेकिंग सम टाइम? I'm sorry. I'm just a curious cat. वाह! अरे खुद को ट्रीट दे, नए कपड़े गहने खरीद, अरे तुझे पूरा हक है खुशी मनाने का, क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद आज तो ये खुशी का दिन आया है। देर से ही से, लेकिन अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तूने प्लान किया था। सचमुच क्या शानदार चाल चली है। सूरज गया, कबीर गया, केसर भी चली गई, यहां तक कि अंबिका राजकौर का दौर भी चला गया। वाह, अब जमाना आएगा हेतल राजकौर का, राजकौर निवास पहचाना जाएगा हेतल राजकौर के नाम से। वाह। बस ऐसी अंबिका भाभी के मन में केसर के खिलाफ जहर घोलती रहे, इतना घोल कि उनके मन में केसर के लिए प्यार भूल से भी दोबारा पनप न पाए। और अंश, अंश, अरे अंश की डोर तो आरती की पतंग के साथ जुड़ी हुई है, अब प्यार की हवा चाहे उसे जहां ले जाए, हमें उससे क्या, लेकिन तेरी ध्रुवी, तेरी ध्रुवी धंधे के आसमान का सितारा बनकर तब ही चमक पाएगी जब ये आशिक माशूक मोहब्बत के फूल खिलाएंगे। I'm sorry to disturbing for this moment, sir. Sir, your favorite coffee? Ma'am, your favorite coffee? You know us so well. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you, sir. Kya hua, Anj? Aarti, wo jo us raat, you know, जो हम दोनों, क्या हुआ था उस रात? आरती, मैं कह रहा था कि मतलब जो उस रात को हम दोनों के बीच में यू नो जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ वो मैजिकल था ना। फाइन ना? फाइन? अंश, जो भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज ब्यूटिफुल, यू नो, पर पता, मैं एक्चुअली बहुत डर गया था, मुझे लग रहा था कि कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग गया होगा, बट यू नो वॉट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आरती।
आरती यादव, आई रियली लव यू सो मच एंड ट्रस्ट मी, मेरी आंखों ने आज तक तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और कुछ देखा ही नहीं. एंड यू नो व्हाट, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी जैसा भी मैं हूँ. एंड प्लीज ऑलवेज बी विद मी, ऑलवेज एंड फॉरएवर. ऑलवेज एंड फॉरएवर. मेरे बेटे की कातिल बाहर घूम रही है और आप कह रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं. अगर आपसे नहीं हो सकता है ना, तो साफ साफ बता दीजिए, मैं किसी सीनियर लॉयर को लगा दूंगी इस केस पर. उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अंबिका बहन, हम केसर की जमानत को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं. वो फिर से जेल जरूर जाएगी, आप बस भरोसा रखिए. मुझे आपका भरोसा नहीं चाहिए वकील साहब. उस लड़की को जेल की सलाखों के पीछे देखूंगी ना, तो अपने आप भरोसा आ जाएगा. इसलिए आप अपना ध्यान उस लड़की को उसके अंजाम तक पहुंचाने में लगाइए. जी. कानून की लड़ाई में केसर को आप हराइए वकील साहब, बाहर की लड़ाई मैं लड़ूंगी. इस समाज में उसका जीना मुश्किल कर दूंगी मैं. आधे घंटे में मिलो मुझे. ये सब आपका हो सकता है, पर बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा. काम? कौन सा काम? केसर के सर से छत छीननी होगी, अपने घर से बाहर निकालकर फेंकना होगा, सड़क की धूल फांकने के लिए मजबूर करना होगा उसे. अरे अंबिका बहन, हमसे कुछ कहे और हम ना करें, ऐसा हो सकता है का? समझ लो, ये बैग घर के अंदर और केसर घर के बाहर. अरे इतना जल्दी हम केसर को अपने घर से कैसे विदा कर दें अंबिका बहन? जग से हमको पैसे का गरज है, लेकिन तुमसे तो पुराना बहुत सारा हिसाब चुकता करना है. किसानुभूति की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज. अंबिका बहन, अरे पैसा तो हम तुमसे लेंगे, एक बार नहीं बार बार लेंगे, लेकिन नाक भी तुम्हारा ही रगड़वाएंगे अंबिका राजकौर. तभी तुम लेगी हमरे कलेजे को ठंडक. मैंने जो किया, मैं जानती हूँ उसकी वजह से मासूम को बहुत तकलीफ हो रही होगी, और वो ऊपर से चाहे कितना ही गुस्सा दिखाए, मैं जानती हूँ कि मुझे खुद से दूर रखना उनके लिए आसान नहीं है. और मासूम का दिल इस वक्त कितना दुखी होगा, वो तो जरूर आपसे भी बहुत नाराज होंगी ना. पर एक माँ का दुख, एक माँ का गुस्सा आपसे ज्यादा और कौन सा भर सकता है. माँ, आप प्लीज मासूम की रक्षा करना, अपनी कृपा उन पर बनाए रखना. और अगर मासूम मुझे सजा देना चाहती है, तो मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे सजा जरूर देना. मेहमा तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करे, काकी की सारी गलत फहमियां दूर हो जाए.
और अम्बे माँ ने हमारी आधी इच्छा तो वैसे ही पूरी कर दी है, नहीं? पूरी बात बताओ कबीर। तो पूरी बात यह है केसर कि हम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के असिस्टेंट से मिले थे। उसने हमें बताया कि जो लाश पहाड़ी के नीचे मिली थी, जिसका हमने अंतिम संस्कार किया, उसके बाल का एक सैंपल उसके पास रखा हुआ है। बस अब हमें सूरज का कोई सैंपल लाकर उसे देना है, वो DNA से उसका मिलान कर लेगा और हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाएंगी और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जय हो अम्बे माँ, बस ये सच जल्द से जल्द सबके सामने आ जाए। बस अब एक प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें राजगौर मेंशन जाना होगा ना, और जिस तरह से हम वहाँ से निकले हैं, वहाँ वापस जाने के लिए हमें कोई तो वजह चाहिए। कैसे वजह?